हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी एनी कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता है कि नासिक के अंदर जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आता है, यहां पे ओल्ड क्वाइन नोट्स का एग्जीबिशन चल रहा है और मैं बहुत पहले अपडेट दिया था जिसका डेट था 6-7-8 जनवरी 2023 और दिन था फ्राइडे सैटरडे संडे और इसका टाइमिंग था 10 बजे से लेकर शाम में 8 बजे तक। दोस्तों मैं इस एग्जीबिशन के आज आखिरी दिन है, यानी आज संडे है, इसके बाद ये एग्जीबिशन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जीबिशन आपको दिल्ली है, उसके बाद में उसके नेक्स्ट एग्जीबिशन फरवरी में भी एक दिल्ली में भी है और एक अहमदाबाद में, नहीं पहले अहमदाबाद है उसके बाद दिल्ली है, मतलब दोबारा पहले तो अभी ये जनवरी में 13-14-15 आपको दिल्ली में है, फिर फरवरी में 2-3-2-3-4 फरवरी अहमदाबाद में। तो ये दोनों जगह मैं अवेलेबल रहूँगा। अगर जो भी मेरे फ्रेंड अगर इस वीडियो को देखते हैं जो दिल्ली से है, यूपी से है, महाराष्ट्र एमपी से है या जो अहमदाबाद से है, जो भी मेरे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, जिनको मुझे मिलना है, अगर मुझे अपना क्वाइन नोट्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेल करना है तो उसके लिए मुझे आपको एग्जीबिशन में मिलना होगा। और आपको अगर वैल्यू जाननी है कि आपके नोट्स की क्वाइन की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए या तो मेरे चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला है, आप उसको देखना होगा, या फिर आपको क्या करना होगा, बुक खरीदना होगा, गाइड बुक, उससे आपको रेट का पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कौन है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सबसे बात कराऊंगा। ये मेरा बात कराने का मेन उद्देश्य होता है सच्चाई पता चले। बहुत सारे लोग क्या होता है, गलत वीडियो देख के आते हैं, फेक वीडियो देख के आते हैं, फिर क्या होता है, कोई लोग क्या बोलता है, किसी को कॉमन क्वाइन का 2-4 लाख बताते हैं, फिर उससे पैसा लेते हैं, जब तक वो पैसा लेते हैं उसको सपना दिखाते हैं, पैसा देना बंद कर दिया उसको ब्लॉक करते हैं, फिर वो लोग दिमाग में बैठे बैठे एग्जीबिशन में आते हैं। अब 50 रुपये की वैल्यू होती है क्वाइन की, उसको लगता है किसी ने 4 लाख बोला है, वो ये उम्मीद से एग्जीबिशन में आता है और वैल्यू होता है 0। तो मेरा मेन उद्देश्य है इस चैनल को बनाने का कि लोगों को सही जानकारी मिले ताकि उसका समय और पैसा बचबाज होने से, या किसी को कलेक्शन करना है तो उसके लिए है कि आप मेरा वीडियो देखें, जो वैल्यू मैं बताता हूँ उससे 10% अप एंड डाउन में आपको बाइंग सेलिंग होता है। हाँ, इसमें रेयर है, कॉमन है, तो जो घरेलू क्वाइन रेयर होता है वो किस्मत की बात है, किससे मिलते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ, थोड़ा नज़दीक ये व्यू देख सकते हैं, मेरा भी फोटा है। जी 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 जी, आपका एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा साइड हो जाइए एक मिनट, ये आप इनको जानते होंगे, ये एक मिनट, अरे वीडियो में उधर जाए, ये फैयाज शेख भाई, ये आपका कौन सा चैनल, DIAM ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, आप DIAM ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो मैं आपसे चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो अपना कलेक्शन को सिर्फ फ़ोटो भेजते हैं और सिर्फ वैल्यू पूछते हैं, तो दोस्तों वैल्यू पूछने से क्या होगा, या तो आपको सेल करना है तो सामने लेकर दिखाओ, अगर आपको वैल्यू जानना है तो वीडियो में मैंने डाला, वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन, डीपली, और आप लोग शॉर्टकट खोजते हैं, एक वीडियो देखा, नंबर लिया, भेज दिए, तो ऐसे कैसे होता है, मेरे पास भी और खोर का कम से कम बुक्स वगैरह परचेज करना चाहिए, गाइड सीखना चाहिए, अगर इस फील्ड में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, ये आप सोचते हैं रातों रात करोड़पति हो जाए तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम, वो बहुत रेयर केस में किसी का लक होता है तो उसको वो मिलता है, ऐसा नहीं हर किसी को नहीं मिलता है। तो थोड़ा दाएं बाएं व्यू दिखा दीजिए, बात ये है कि आपको एग्जीबिशन में प्रैक्टिकली यहाँ पे जी जो एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा दाएं इधर भी दिखा दीजिए, ये सब बहुत सारे लोग हैं, मुझे नहीं पता, मैं सबसे बात करूंगा, कोई देखने समझने आए हैं, देखिए कोई भी चीज़ कलेक्शन करने से पहले आप नॉलेज लो, क्या सर, राइट। अब जैसे एक इनसे आप इधर आ जाइए, आप इधर में थोड़ा सा, थोड़ा आप इधर हो जाइए साइड में, इधर सब व्यू दिख, पीछे का भी लोग को आना चाहिए, थोड़ा दूरी से इधर आइए, नीचे से नीचे, आपका क्या नाम हुआ, ये कपिल जी हैं, बहुत एक साल पहले अहमदाबाद में मिले थे तो बोले कि मेरा वीडियो देख के आए हैं, फिर इन्होंने कलेक्शन स्टार्ट किया, तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है, थोड़ा आप कलेक्शन दिखाइए और क्या सीखा। अच्छा ये आप देख सकते हैं, ये कोबाल्ट इशू नोट है, ठीक है, इन्होंने ये कलेक्शन किया है सीरियल नोट में, पहले इन्होंने क्या किया, मेरा चैनल देखा, फिर एग्जीबिशन अटेंड किए, फिर बाइंग स्टार्ट किया। अगर आप डायरेक्ट बाइंग करोगे बिना जाने सुने तो आपको नुकसान होगा, इसका क्या रेट में आपने लिया, ये 1500 तक, नहीं एक नोट कितने में लिए, मैं हो जा पूरा 1500 में लिया, कितना नोट है, 10 नोट, ये 10 नोट है इन्होंने, ये करेंसी है तो 1500 में लिया, लेकिन अब जैसे ये कलेक्टर है तो ये 150 में लिए हैं, लेकिन अगर कोई डीलर आपसे लेगा ये नोट तो 130 में लेगा, अगर UNC होगा और यूज़ होगा तो 120 में,
कलेक्टर लोग क्या होते हैं, आज रखेंगे फिर दो साल चार साल बाद ये 150 में लिए तो 200 में सेल करेंगे, क्योंकि समय के साथ तो ये तो प्रिंट होने वाला है नहीं ना, ये तो प्रिंटिंग बंद हो गई 1985 में। तो ये इसका, क्योंकि जिसको नए नए कलेक्टर आते हैं वो अच्छी वैल्यू देकर उसको लेते हैं। और भी कुछ अच्छा कलेक्शन है तो दिखाई, मुझे दिखा रहे थे ऑफलाइन में, वो 100 रुपये वाला 100 वाला बड़ा नोट वो है या कहीं और है? है, है? अरे दिखाइए दिखाइए। अच्छा सर आ इधर आइए, आपका इनसे बात, आपका क्या नाम हुआ सर? संतोष महादेव। संतोष महादेव कहाँ से आए आप? नासिक से। तो अच्छा, क्या कलेक्शन करते हैं या देखने या क्या? आइए आइए दिखाइए, क्या है आप कुछ लेके? और तो आप क्या कुछ सेल करने आए हैं? कलेक्शन करते। हाँ बोलिए जोर से। हाँ क्या नहीं करता हूँ। और नासिक से है कि नासिक के अलग से? नासिक से। आपको सर क्या है, आप कुछ बताइए अपने बारे में। अच्छा इधर आइए, इधर आइए आप, इस साइड में आइए ना सामने। ये सर ने कलेक्शन करके लाए थे अपना घर से। अच्छा ये आपने कहीं दिखाया इसको अभी कि नहीं? नहीं, अच्छा नहीं दिखाया। तो ये मेरा स्टॉल है, अगर आपको इसको सेल करना चाहें तो जो भी सही वैल्यू होगा वो मैं दूंगा। देखिए दोस्तों, अब जैसे ये सर ने ये क्या किया, नोट को फोल्ड करिए, फोल्ड करने से नोट की वैल्यू गिर गई। कोई भी नोट हो, कितना भी पुराना हो, अच्छा कंडीशन में हो, जैसे ये 1990 का नोट है, ये फोल्ड एकदम कड़क है लेकिन फोल्ड है। फोल्ड होने से किसी भी नोट का हो वो वैल्यू गिरता है। ये 2 रुपीस का नोट है, ये करक है लेकिन फोल्ड होने से क्या होता है, वैल्यू गिरता है। ठीक है सर, तो आप यहाँ पे कैसे पहुँचे, चैनल देख के या कैसे मालूम चला? मेरे को व्हाट्सएप पे दिख गया। अच्छा चलिए, यहाँ के जो है ये 20 पैसे का कमल का फूल है सर। इसका क्वाइन का कीमत होता है, मतलब ये स्टार्टिंग होता है 2 रुपये से 10 रुपये तक इसकी वैल्यू है, यानी स्टार्टिंग 2 रुपये में बिक, 3 रुपये में बिक सकता है, 5 रुपये में, 10 रुपये में। ये इंदिरा गांधी का क्वाइन है, ये मैं बाइंग करता हूँ 20 रुपीज़ में, इसका स्पेशल मैंने वीडियो भी बनाया है। ये अच्छा कंडीशन होने से इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिखा दीजिए, बहुत सारा कलेक्शन लेके आए हैं। तो जो भी मेरे फ्रेंड है, देखिए दो तरह का कलेक्शन होता है, एक अच्छा कलेक्शन, एक कॉमन। कॉमन मतलब बाजार से कुछ उठाया लेकर आ गया तो वो नहीं बिकेगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए अच्छा कलेक्शन के लिए आपको पहले गाइड लेना होगा, बुक के साथ आपको उसमें समझना होगा कौन से ईयर है, कौन से गवर्नर है, तो उसमें आपको रेयर पता चलेगा, स्केयर पता चलेगा, आपको इंटरेस्ट होगा कि हाँ कलेक्शन करना चाहिए प्रजेंट में या इन फ्यूचर की कलेक्शन करके रखे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। एक लोग, एक पब्लिक ने आप, एक आपको मिलाता हूँ, एक आदमी से आइए, एक मिनट आइए सर। अच्छा क्या नाम है जी? विनय सोनावनी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से? देवरा से आए। यहाँ से कितना दूर है? 70 किलोमीटर। अच्छा 70 किलोमीटर आए हैं। ये है इनकी वाइफ है, वो बहुत सा ओल्ड है। ये थोड़ा स्टॉल दिखाइए, मैं इनसे बात करना। सर आप क्या सोच कर ये स्टॉल लिया? ये अब बहुत सारे ये क्वाइन नोट्स लेकर आए थे, इनको लगा कि मैं सेल करूँगा, लेकिन इनको लगा कि एक वीडियो शायद यूट्यूब पे देखे थे ना, इन्होंने यूट्यूब पे पता नहीं कौन वीडियो देखा, इनको लगा कि 5-10 लाख का आइटम है। ठीक है ना, इन्होंने मॉर्निंग में आए मेरे जाने से पहले, और ये आखिरी दिन में 3000 का स्टॉल लिए ना। अब बताइए सर, ये 3000 का स्टॉल लिए और ये पूरे क्वाइन की वैल्यू मैक्सिमम 400 से 500 है। अब वो गलत वीडियो देखे तभी तो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखो, शेयर करो, लोगों को सही जानकारी दो, नहीं तो ये इतने उम्रदराज है ये खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब किसी ना किसी का तो वीडियो देखा होगा गलत ना, कि हर किसी को पैसे की मतलब पैसा चाहिए लेकिन सही तरीके से। अब इनको लगा कि ये ट्रैक्टर वाला नोट का कितना दूर सुने दें, 1.5 लाख रुपया इन्होंने ट्रैक्टर वाले नोट का देखा। यहाँ कोई वैल्यू है चचा? कोई वैल्यू 0, 0, 0 है। अब बताओ ये अपने 70 किलोमीटर से आए, मैं इसी के लिए मैं बार बार हर वीडियो में जिक्र करता हूँ कि अगर कोई जानकारी लेनी है तो पहले आप मेरा वीडियो देखो, मेरे चैनल से जुड़ो, गाइड देखो, वीडियो देखो, तब कोई कलेक्शन करो। अब बताओ ये 1.5-2 लाख रुपया सोचे होंगे, प्लस ये क्वाइन जो भी गेंडे वाला वगैरह वगैरह है ना, अगर ये मेरा वीडियो देखते तो मैं गारंटी देता हूँ ये नहीं आ पाते। और ये 3000 का स्टॉल, यानी टोटल इनका क्या हुआ, 0, 0, 0, और ऑलरेडी ये 3000 के लॉस में चले गए हैं, है ना? कुछ बिका सुबह से? 800 रुपये का मात्र बिके, स्टॉल लिया 3000 का,
आने जाने का खर्च, खाने का खर्च, वो सब तो गया ना। जो टेंशन रहा होगा पहले से कि 1.5 लाख का नोट है बेचना है उसको, वो टेंशन था कि नहीं? तो अगर इसके लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, स्पेशल जो मैं नासिक आया हूँ महाराष्ट्र से, सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें और लोगों को जो है ना, देखिए पैसा हर किसी को पसंद है लेकिन किसी को मालूम नहीं ना सच्चाई क्या है। या तो कोई भी कलेक्शन करने से पहले या तो मेरा वीडियो का चैनल में बहुत सारा वीडियो वो देखे, एग्जीबिशन का भी वीडियो देखे, या गाइड खरीदे बुक, और बुक का मैंने अलग से वीडियो बनाया है वो आप देखो तब सही में होगा। या तो आप, आपको पॉसिबल है इंडिया में हर जगह एग्जीबिशन होता है, अगर आपको ऐसा पॉसिबल है तो आप आकर एग्जीबिशन अटेंड करो तब कोई चीज़ खरीदो, तो आपको लॉस नहीं होगा। मैं ये वर्क करता हूँ, ये मैं अलग से इसलिए चैनल बना रहा हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर देखे अपना व्यू बढ़ाने के लिए, झूठे बात बोलते हैं लेकिन लोग भी पागल ही है, मैं बोलूँगा गुस्से से, क्योंकि पागल जैसे उसके पीछे पड़ते हैं, यानी झूठ को विश्वास करते हैं सच को नहीं। अब कोई बोलेगा 5 लाख है, वो कॉल करेगा बोलेगा रजिस्ट्रेशन 4,000 लगेगा, 5,000 भाड़े लगेगा, वो सब दे देते हैं बिना जाने, और आप इनके भाई कोई बगल में मांगेंगे 2,000 दो, 5 दिन के लिए नहीं देंगे, ये सच बात है कि नहीं? लेकिन लालच उसको सपना दिखाते हैं तो दौड़ के पीछे। तो प्लीज़ दोस्तों सपना के पीछे मत भागो, हकीकत की ज़िंदगी जीजिए, कोई भी लाइन हो तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अब कोई कलेक्शन कर रहे हैं, कोई जानकारी है, मैं थोड़ा एक बार ये देखिए, ये सारे लोग आए हुए हैं, ये सब वीडियो बना रहे तो देख रहे थे। तो मेरा ये कहना है सर, कोई भी कलेक्शन कीजिए, ठीक है, कोई भी आप कलेक्शन कीजिए तो आप पहले उसको समझिए तभी जाकर कलेक्शन कीजिए। मैं एक आपको एक इंडिया का मोस्ट रेयर एक हमारे कलेक्टर है उनसे मिलाऊंगा, उनके पास इतना रेयर है मैं वीडियो में लिख दूंगा तो लोग पागल हो जाएंगे, लेकिन वो मिलता आसानी से नहीं है। देखिए इस फील्ड में रेयर लेयर है, 1,00,000 रुपये का भी क्वाइन है, 2 लाख का भी है, 5 लाख का है, तो वो लिमिटेड है, वो अभी का नहीं है, वो सब पुराना है, 40 साल 50 साल पहले का है। और आज आप लोग अभी 2 साल 4 साल क्वाइन को उठाते हो, हाँ एक माता वैष्णो देवी वाला क्वाइन है ना, उसका भी वीडियो देखा था, कितना उसमें प्राइस बताया था सर? 5 लाख बताया था, यहाँ वैल्यू क्या है? 0। तो प्लीज़ दोस्तों झूठ के पीछे मत भागो। अब मैं थोड़ा व्यू दिखाऊंगा और एक स्पेशल कलेक्टर को मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा इंडियन रेयरेस्ट क्वाइन जिसकी कीमत लाखों में होती है। क्योंकि मैं इसलिए महंगा क्वाइन का वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग मिडिल क्लास के लोग वीडियो देखते हैं या लोअर, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, उसमें नकली क्वाइन भी आते हैं, अब लोगों को तो एग्जीबिशन आएंगे नहीं, जानकारी लेंगे नहीं, उसमें भी नुकसान होने का चांसेस है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ बेसिक नॉलेज दूँ ताकि लोग कम से कम नुकसान हो सकने से बचें। ठीक है सर, थोड़ा आइए, मैं इधर आइए ना। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आज इस एग्जीबिशन का लास्ट दिन है, ये मेरा स्टॉल है, तो मेरे फैज साहब थोड़ा सा मैं आता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक कलेक्टर से मिला, तो आइए देखो, ये आप देख सकते हैं आज इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है और ये रश भी बहुत है, बहुत पब्लिक आई हुई है। ये डिस्प्ले रूम है, इसमें क्या है ना, यहाँ के जो स्पेशल महाराष्ट्र के जो स्टेट के क्वाइंस है, जो ब्रिटिश पीरियड के क्वाइंस है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये गोल्ड क्वाइन है ब्रिटिश का, एक है 1918 का है, 15 रुपीज़ है, ठीक है दोस्तों, ये रेयर क्वाइन है, ये 1 मोहर है गोल्ड में का, मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये 1881 का, ये रेयर है। अच्छा ये सर आ गए कलेक्टर, एक मिनट, एक मैं इनसे बोलूँ। अच्छा सर एक्सक्यूज मी, आपका गुड नेम क्या है थोड़ा एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है विनय कुमार रविंद्र चुमले जी, नासिक में मेरा कलेक्शन है। नासिक में ये बहुत ही, मैं बड़ा बोल सकता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे कलेक्टर हैं। मैं चाहता हूँ मैं जो भी मेरे व्यूअर हैं, देखिए दो तरह के होते हैं, एक किसी को तो बाइंग करना होता है या किसी को सेल करना होता है, यही होते हैं। बहुत सारे लोग को कलेक्शन का शौक़ होता है और बहुत सारे को क्या होता है, सेल करने का है। तो जो भी मेरे व्यूअर है, अगर किसी के पास रेयरेस्ट आइटम हो, आप सेल करना चाहते हो या कलेक्शन करना चाहते हो, इनका भी मैं कुछ वीडियो आपको क्वाइन दिखाऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगा, जैसा होगा मैं आपको, यार आप लेना चाहें तो डायरेक्ट ले सकते हैं,
मेरे माध्यम से, ठीक है सर। अगर मैं नंबर दूंगा तो बार बार आपको कॉल आएगा। नहीं, आप ही फिल्टर करके दे। हाँ, मैं फिल्टर करके, मैं जस्ट एक मेयर रहेगा तो ही बताइए सर, कॉमन में कोई। आप एक मिनट में मुझे एक थोड़ा निकाल के दिखाई, नहीं कोई भी एक क्वाइन। ये संदीप, एक ये वाला दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये ब्रिटिश इंडिया। हाँ, ब्रिटिश में ही, और एक ये, दो ही, ज़्यादा नहीं, कि मिल जाए तो अच्छा ना, ये सब तो बाउंस कर जाता है ना, ठीक है, चल रहा है कि इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है। ओके, करिए सर। अच्छा रुकिए एक मिनट, इसको रखिए पॉज। तो दोस्तों, मैंने आपका इनको एक ये आपको आपका डिस्प्ले दिखाया, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, और मेरे चैनल को, जो भी मेरे नए व्यूअर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का बटन दबाएंगे। अगर सही और सटीक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल का वीडियो देखें और पूरा वीडियो देखें, कोई भी मैं वीडियो डालता हूँ तो पूरा देखें, तभी सही जानकारी मिलेगी। दोस्तों, तो ये आज इस एग्जीबिशन का आखिरी दिन है, फिर नेक्स्ट एग्जीबिशन दिल्ली मिलूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद।